जामिया छात्रों का सीएए के विरोध में मार्च मंडी हाउस के पास धारा 144 लागू संसद मार्ग बंद फिलहाल किया गया है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के छात्र जंतर मंतर तक मार्च निकालने को लेकर मंडी हाउस पर जमे हुए हैं। वहीं पुलिस ने मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन आंदोलनकारी मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और बड़े पैमाने पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है, यहां पर सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है, जबकि संसद मार्ग को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी मंडी हाउस पर जमे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ पे संविधान की प्रति और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर है। इन प्रदर्शनकारियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मंडी हाउस के पास धारा 144 लागू कर दी गई है, संसद मार्ग को बंद कर दिया गया है। जामिया के छात्र का सीएए के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अनीशा दीक्षित हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अनीशा, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, आप वहां पर मौजूद हैं? जामिया के स्टूडेंट्स सीएए के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जानकारी क्या कुछ है फिलहाल आपके पास? उस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, संसद का मार्ग भी बंद है फिलहाल, अपडेट? आपको बता दें यहाँ पर मार्च प्रदर्शनकारियों का जारी है और करीब आपको बता दें जंतर मंतर तक ये प्रदर्शन जारी है। अभी भी आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन उनका जारी है। पोस्टर्स भी आप देख सकते हैं कि संविधान बचाओ देश बचाओ जैसे पोस्टर हैं, काला कानून वापस लो, ऐसे तमाम पोस्टर्स हैं उनके साथ। वहीं कुछ लोग हैं जो इस मार्च में, उनसे हम बात कर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जो भी हिंदुस्तान का सेक्युलर फैब्रिक डिस्टर्ब करेगा उसके खिलाफ उठाई जाएगी, चाहे सरकार कोई सी भी हो। हमें सरकार से वो नहीं है, पता नहीं है, हमें ये है कि आप हिंदुस्तान का सेक्युलर फैब्रिक जो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज जब आप उसे छेड़खानी करेंगे ना, तब आवाज उठेगी, और जब जब ऐसी आवाज उठेगी उसे दबाने के लिए एक तूफान जरूर उठेगा। और ये लोग हैं, ये लोग इसलिए उठे हैं यहाँ पे, और इनमें से मैक्सिमम अच्छी बात ये है कि मुसलमान लोग कम है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये है कि आप जो चाहे तानाशाही कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर एक ही पेज पे नहीं है, वो कुछ बयान दे रहे हैं, वो दूसरे कुछ और बयान दे रहे हैं। तो हाउ कैन यू हैव फेथ इन अ गवर्नमेंट लाइक दैट? वी रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट, वी वॉन्ट इट ऑल टू बी लॉफुल एंड वी। तो अंशिका, आपने देखा कि लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि धर्म के आड़ में आके इस कानून को आगे ना ले जाया जा सके, हिंदू मुसलमान ना करें और इसमें हिंदू मुसलमान को अलग करने का अलग ना कर किया जाए। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने तमाम बार तस्वीरें दिखाई हैं, कुछ दिन पहले की बात करें तो लगातार प्रदर्शन किया जाता रहा है सीएए को लेकर। आज जो है प्रोटेस्ट डे है और वो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जानकारी क्या क्या आपके पास? अनिशा, आपके पास आवाज आ रही है? जी अंशिका, अनिशा, नेशनल प्रोटेस्ट डे है और उसको देखते हुए का साफ तौर पर अगर हम प्रदर्शनकारियों की बात करें तो उनकी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नेशनल प्रोटेस्ट डे के दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीएए के खिलाफ। साथ ही यहाँ पर डीयू के कई सारे छात्र मौजूद हैं और साथ ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भी छात्र बताए जा रहे हैं। बिल्कुल अंशिका, यहाँ पर जामिया, जेएनयू और डीयू के तीनों यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर मौजूद है और इसे नेशनल प्रोटेस्ट डे के तहत इसे मनाया जा रहा है। उनसे जो लोग हैं उनसे मत कर लेते हैं, नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में ये मनाया जा रहा है, नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में। हाँ जी जी, ये प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स के, ऑर्गेनाइज किया है, मैं जामिया से आया हूँ। हम लोगों का है ना, ये गांधी का देश है, इसको गांधी का ही देश रहने दिया जाए, ठीक है, इसे किसी और का देश ना बनाया जाए। यहाँ सबके लिए जगह है, सबका वेलकम है। आप कोई ऐसा कानून ना बनाएं जो इस देश को जर्मनी और रवांडा के सफ में लाके खड़ा कर दे।
तो अनन्या ये लगातार नेशनल प्रोटेस्ट डे यहाँ पर मनाया जा रहा है और लगातार जो भी छात्र हैं या फिर लीडर्स कहे पार्टियों के उनका लगातार यही कहना है कि इस कानून को वापस लिया जाए और क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो इस कानून को अपना नहीं रहे हैं और लगातार इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ठीक है अनिशा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर है जहां पर ममता बनर्जी यहाँ पर उतरी हैं सड़कों पर। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पीछे लोग मौजूद हैं, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो एक तस्वीर हम आपको मंडी हाउस की दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतरी हैं, भारी संख्या में उनके साथ लोग मौजूद हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है।